है दांत का उल्टा चश्मा। अरे बावरी जी, आपने अभी फोन क्यों किया? सेठ जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। क्या बागेश्वर जी, मैंने आपको मेरी नई ड्रेस दिखाने के लिए वीडियो कॉल किया और आप सेठ जी को याद कर रहे हैं। आपको पता है ना, जब भी मैं कोई नई ड्रेस लेती हूँ तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। बागेश्वर जी, कैसी है मेरी ड्रेस? सच कहूँ बावरी जी, आप चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। अरे इस ड्रेस की खुशकिस्मती है कि आपने इसे पहना है। थैंक यू बागेश्वर जी, आप कितने अच्छे हो। आई लव यू बागेश्वर जी। आई लव यू टू बावरी जी। मैं दुकान पे आ जाऊँ बागेश्वर जी। आजा आजा आजा। सेठ जी आप? हाँ मैं। आप तो कह रहे थे बगा दुकान में बहुत बिजी है, देख लिया किसमें बिजी है? क्या आपको पहले से पता था किसमें बिजी है? नहीं नहीं बागा, ये क्या कर रहा है तू? तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। सॉरी 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 सेठ जी, आप नटू काका को कुछ मत बोलिए, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। बागा, सेठ जी ने कहा है ना, दुकान में काम के टाइम पर बावरी का फोन नहीं आना चाहिए। बराबर है नट्टू काका, लेकिन वो क्या है, बावरी जी ने आज नया ड्रेस पहना था, वो दिखाने के लिए उन्होंने मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए वीडियो कॉल किया था, उतने में ही आप लोग आ गए। अरे शुक्र मना हम लोग आए, पर कस्टमर आता तो उस पे हमारी दुकान की क्या इंफॉर्मेशन पड़ती है? उनको तो यही लगता ना कि दुकान के स्टाफ को धंधा करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, दुकान के बीचों बीच खड़े होकर प्रेमला प्रेमली वड़ा कर रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कस्टमर आ जाता तो मैं बावरी जी का फोन कट कर देता। अभी देखिए ना, थोड़ी देर पहले ही दुकान में दो कस्टमर आए थे और तभी बावरी जी का भी फोन आया, तो मैंने बावरी जी का फोन कट कर दिया और कस्टमर अटेंड किए, और एक कस्टमर को मैंने मोबाइल बेचा और दूसरे को वॉशिंग मशीन। वाह क्या वाह क्या वाह। अरे भाई, जब तुझे साफ साफ बोला गया है कि तू बावरी को बोल दे काम के टाइम पे फोन नहीं करना चाहिए, फिर भी बार बार फोन क्यों करती है? नटू काका, कल सुबह जैसे ही बागा दुकान में आए उसका फोन जब्त कर लेना, और शाम को घर के लिए निकले तभी उसके हाथ में फोन देना। अरे लेकिन तो फिर अगर कस्टमर के सर्विस के लिए फोन आए तो? सेठ जी छोड़िए ना, बाद में बनाते हैं ये सिस्टम। बागा, अभी बावरी का फोन नहीं आना चाहिए। जी जो जो। सॉरी सेठ जी। कमाल है, जेठा का फोन लग नहीं रहा है, बागा फोन कट कर रहा है। नटू काका दिखाइए, फाइल दिखाइए इसको। कौन सी फाइल? अरे एक बार क्या, हजार बार तुझे बोला है, फिर भी तेरे दिमाग में बात घुसती क्यों नहीं है कि काम के टाइम पे बागा को फोन नहीं करने का? सॉरी है सॉरी। इसकी आवाज बैठे लिए। अरे तू क्या चाहती, क्या है चाहती, क्या चाहती है तू? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए है? अरे तू घर पे नौवरी बैठी है इसलिए तुझे ये बागा को बार बार फोन करने का फैन पत्र सूझता है। एक काम कर, कुछ काम धंधा ढूंढ ले है? बिजी हो जा बिजी। ये जेठालाल, अरे अपनी जबान को लगाम दो। अरे क्या कुछ भी बोले जा रहे बिना रुके। कौन क्या, कोई भिड़े बोल रहे हो भिड़े? तू बावरी का फोन से क्यों फोन कर रहा है? अरे मैं क्यों बावरी के फोन से फोन करूंगा, मैं अपने फोन से फोन कर रहा हूँ ना। अरे सॉरी 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 भिड़े सॉरी, बोल बोल बोल। ठीक है सॉरी, देखो तो सही किसका फोन है, बिना रुके बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। सॉरी सॉरी भाई भिड़े सॉरी। वो क्या है, बावरी को कितनी बार बोला है कि काम के टाइम पे बागा को फोन नहीं करने का, फिर भी वो समझती ही नहीं है, बार बार फोन करती ही रहती है। अभी तेरा फोन आया, उसके पहले दो बार उसका फोन आ गया, इसलिए इस बार मैंने बिना देखे वो फोन उठा लिया और चालू हो गया मैं। सॉरी। हाँ ठीक है,
जरा बाका को फोन दो। क्यों, बाका का क्या काम है? अरे हे भाई, कुछ काम, तुम दो ना फोन उसे। तो पर ऐसा क्या काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकता? नहीं, तुम्हें नहीं बता सकता ऐसा कुछ नहीं। तो फिर बताता क्यों नहीं है? ठीक है, बताता हूँ। नट्टू काका और बाका को बोल देना कि दोपहर को दुकान पे मिलते। कौन सी, किसके दुकान पे? ठीक है, तुम्हारी दुकान। क्यों, फिर से तेरी स्त्री बिगड़ गई क्या? अरे नहीं भाई। तो कुछ लेना है? लेना नहीं, देना है। क्या? अचार। नट्टू काका और बाघा ने अचार का ऑर्डर किया था, तो वही देने तुम्हारी दुकान पे आ रहा हूँ मैं। अरे तो उसके लिए दुकान तक धक्का क्यों खाना है तुझे? शाम को मुझे दे देना, कल मैं इनको दे दूंगा। ठीक है जेठालाल, अगर तुम्हें पसंद नहीं है मैं तुम्हारी दुकान पे आऊँ तो मैं नहीं आता। अरे ऐसी बात नहीं है भाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जेठालाल। वो क्या है, मैं उस एरिया में आ ही रहा था काम से, तो सोचा दुकान पे आके डिलीवरी कर दूं। अरे आना भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं शाम को तुम्हें घर पे दूंगा, तुम ही बाद में उनको दे देना। चल ठीक है, चल। मेरा नहीं है। हाँ ले। क्या काम था भिड़े भाई को? भिड़े को आचार का ऑर्डर दिया था। मैंने नहीं, नट्टू काका ने। हाँ तो वो शाम को मुझे दे देगा, कल मैं आपको दे दूंगा जी। और भाई तू जरा बावरी को शांति से बिठा के समझा कि बार बार उसको समझाने पर भी वो समझती क्यों नहीं है कि काम के टाइम पे फोन नहीं करने का। वो क्या बच्ची है, बार बार बोलना अच्छा लगता है?